Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidul mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Muhtaram nazirin, main aapke samne ek choti si takreer pesh karna chahta hoon jiska unwan hai bidat aur uske khatarnak nataij. Allah ta'ala ka lakh lakh shukar hai ki usne hame deen-e-islam ki shakal mein ek mukammal deen ata farmaya. Ek aisa mukammal deen ki qiyamah tak ab usme kisi kism ki kami ya izafa ki koi gunjaish nahi hai. Surah Al-Maida ayat number 3, Allah ta'ala farmata hai, Al-yawma akmaltu lakum deenakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu deen. Yani Allah ne musalmanon ke liye unke deen ko mukammal kar diya, apni ni'mat un par tamam kar di aur deen-e-islam ko unke liye pasand kar diya. Pyare bhaiyo, gaur kijiye ke kya hai ek aisa deen jisko khud Allah Rabbul Izzat ne mukammal kar diya ho aur ab usme kisi nayi cheez ke izafe ki koi gunjaish hai? Hargiz nahi. Isiliye Tirmizi aur Abu Daud ki ek sahi riwayat mein aata hai ke Hazrat Irbas bin Sariya radhiyallahu ta'ala anhu farmate hain ke ek din aap sallallahu alaihi wasallam ne hame aisa khutba diya jisko sunkar dil kaanp uthe aur aankhein ashkbar ho gayi. Humne arz kiya ke ae Allah ke rasool, aisa maloom hota hai ke ye koi alvidai waaz wa nasihat hai, lihaza is mauke par aap hame koi ahem wasiyat farmaye. Aap sallallahu alaihi wasallam ne farmaya, main tum sabko Allah se darne ki wasiyat karta hoon, isiliye meri aur apne ameer ki itaat wa farmabardari karte rehna, khwah tum par koi khabshi ghulami kyun na ameer bana diya jaye. तुम में से जो लोग मेरे बाद जिंदा रहेंगे वो शदीद इख्तलाफ रोनमा होते हुए देखेंगे. ऐसे मौके पर ज़रूरी है कि मेरी और खुल्फाए राशिदीन की सुन्नत को थाम लेना और मजबूती से पकड़े रहना, और हाँ, दीन में निकाले गए नए नए कामों से बच के रहना, क्योंकि ऐसे हर काम बिदात व जलालत है जो मौजूद जहन्नम है. मेरे भाइयों, गौर कीजिए, बिदात की खतरनाकी का अंदाज़ा लगाइए हदीस पाक से. यही वजह है कि ये बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन हर खुतबे में बयान करते थे, ताकि लोग बिदात और इसकी हौलनाकी से खूब वाकिफ़ हो जाएं. असल में अरबी ज़ुबान में बिदात हर नए काम और इख्तरा को कहते हैं, लेकिन शरीयत की निगाह में बिदात का मतलब है हर वो काम जिसे नेकी और सवाब का काम समझ कर किया जाए मगर कुरान व हदीस में कहीं उसका सबूत ना हो. ज़ाहिर सी बात है, जो काम सुन्नत से साबित ना हो, ख्वाह वो देखने में कितना ही नेकी और अच्छाई का काम लगता हो, शरीयत की निगाह में उसकी कोई वक़ात अहमियत नहीं है. मिसाल के तौर पर, हम सबको पता है कि अजान के आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सुन्नत रसूल से साबित है. अगर कोई शख्स अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर अजान ख़त्म करे तो क्या वो सही माना जाएगा, हालांकि उसने किसी गलत चीज़ का इजाफा नहीं किया है, अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे रहा है. मगर मेरे भाइयों, यही तो दीन का सबसे अहम मामला है. दीन में वही सिक्का चलेगा जिस पर कुरान व हदीस की मोहर हो, और जिस सिक्के पर कुरान व हदीस की मोहर ना हो, ख्वाह वो देखने कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, दीन की नज़र में वो खोटा सिक्का है. सूरह अल-हश्र आयत नंबर 7, अल्लाह ताला फरमाता है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फन्तहू. रसूल जो दें उसे ले लो, और रसूल जिसे रोक दे, मना कर दें, उससे बाज आओ. मेरे भाइयों, आज हमारे माशरे में ऐसे बहुत से काम अंजाम दिए जाते हैं जो कार्य सवाब समझ कर किए जाते हैं, मगर उनका कोई सबूत हमें दौरे नबी, दौरे सहाबा, यहाँ तक के दौरे ताबाइन में तक नहीं मिलता. याद रखिए, यही बिदात है, और लोगों को उसके बारे में बतलाना हमारी जिम्मेदारी है. अल्लाह ताला हमें उसकी तौफीक अता फरमाए. आमीन. वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.